नमस्कार, स्वागत है हमारे संडे स्पेशल वीडियो में। हाय फ्रेंड, मेरा नाम है तीर्थ कुमार और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल तीर्थ बेस्ट। आज के संडे स्पेशल वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक छतरी से आप 26 कंपनी के सेट बॉक्स कैसे यूज कर सकते हो, जैसे कि टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी, वीडियोकॉन, इंडिया टीवी, सन टीवी, डीडी फ्री डिश। इस सभी कंपनी के सेट बॉक्स आप एक छतरी से आप यूज कर सकते हो। हम आपको डिश सेटिंग बताएंगे, कैसे आप डिश सेटिंग कर सकते हो, सिग्नल चेक करके बताएंगे, और हम आपको टीपी बताएंगे फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी आप भी सेट कर सकते हो। तो टीपी बताएंगे, फ्रीक्वेंसी बताएंगे, पूरी तरह से हम आपको जानकारी देंगे, पूरी तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आपसे इतना रिक्वेस्ट रहेगा, आपसे इतना निवेदन रहेगा, इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, तभी आप समझ पाओगे, तभी आप यहाँ से कुछ सीख कर जाओगे। तो हम जल्दी से ले चलते हैं हमारी डिस्क के पास और आपको चेक करा देते हैं जिसकी सेटिंग। तो जैसा कि फ्रेंड, हम आ गए हमारी छतरी के पास। अभी हम आपको डिश की सेटिंग बताएंगे, सिग्नल बताएंगे और आपको फ्रिक्वेंसी बताएंगे, टीपी, जिसे आप नोट करके आप भी सेट कर पाएंगे। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ प्लीज़ अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल तीर्थ बेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। नीचे लाल कलर का बटन शो हो रहा है, उसके बाद घंटे को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी वीडियो उसे अपलोड करें तो वो आपको देखने को मिले सबसे पहले। तो हम वीडियो को करते स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आपको डिश सेटिंग बता देते हैं आपको कैसे करना है, और उसके बाद में हम आपको सिग्नल बताएंगे और टीपी बताएंगे, फ्रिक्वेंसी, जिसे आप देखकर सेट कर सकते हो। फ्रेंड, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड देख लो, ये छतरी है फ्रेंड, ये छतरी अभी टाटा स्काई पे सेट है। फ्रेंड देख लो, ये छतरी अभी टाटा स्काई पे सेट है और ये मैंने LMB लगी हुई, तो मैं आपको LMB बता देता हूँ कौन कौन सी LMB। फ्रेंड तो फ्रेंड देख लो, ये जो ऊपर वाली LMB है, ये वाली, ये एयरटेल पे सेट है, और जो ये वाली है फ्रेंड, ये LMB फ्रेंड फ्रियल डिश पे सेट है, और इसमें डिश टीवी, सन टीवी, इंडिपेंडेंट टीवी और डीडी फ्री डिश, ये चारों उसमें चलती है, ठीक है। और फ्रेंड ये जो पास में आपको शो हो रही है, ये वाली बीच वाली, ये है DTH वीडियोकॉन की, और ये है मैन LMB टाटा स्काई की मैन लाइन वाली। देख लो फ्रेंड, ये टाटा स्काई पे है, ठीक है। तो फ्रेंड ये टाटा स्काई पे डिश सेट है, ठीक है। फ्रेंड इसमें फ्रेंड मिरर इफेक्ट होता है। अब आप पूछो कि मिरर इफेक्ट क्या है, तो फ्रेंड वो आप जान लो। फ्रेंड टाटा स्काई से डिश टीवी का सिग्नल, डीडी फ्री डिश का सिग्नल, इंडिया टीवी का सिग्नल, वीडियोकॉन का सिग्नल और सन टीवी का सिग्नल, इन सैटेलाइट का सिग्नल आता है लेफ्ट में, ठीक है। ये छतरी अभी है टाटा स्काई पे सेट, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नल आता है वीडियोकॉन, डिश टीवी वगैरह सब लेफ्ट साइड आते हैं, ठीक है। टाटा का सिग्नल है राइट साइड। तो फ्रेंड जो LMB लगेगी वो लगेगी राइट साइड, ठीक है। सिग्नल इसका लेफ्ट साइड है, पहले आप ये समझने की कोशिश करो फ्रेंड। सिग्नल जो है डीडी फ्री डिश का, डिश टीवी का, इसका लेफ्ट साइड है टाटा स्काई से, ठीक है, बाहिनी तरफ। ये टाटा स्काई डिश सेट है तो यहाँ पे सिग्नल है, ठीक है। लेकिन आपको LMB लगानी राइट साइड, जैसा जैसा कि अभी आप देख रहे हो, इसे कहते हैं मिरर इफेक्ट। अब आपको कैसे लगानी है वो मैं आपको पूरा का पूरा आपको बता देता हूँ फ्रेंड। फ्रेंड वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखें, तभी आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड देख लो, ये LMB लगी, ये फ्रेंड मैंने जुगाड़ करके लगाया है, ये एयरटेल की LMB इतना दूर हो जाएगी। फ्रेंड देख लो, ये टाटा स्काई की मैन LMB है और इतना दूर एयरटेल की LMB लगेगी। फ्रेंड देख लो जैसा कि, और फ्रेंड ये पास में है फ्री वैल डिश की, देख लो फ्रेंड, डीडी फ्री डिश, डिश टीवी, इंडिया टीवी, सन टीवी, ये चारों उसमें चलती है, देख लो फ्रेंड। और ये है मैन वीडियोकॉन की और ये टाटा स्काई की। तो फ्रेंड आप देख लो, आप रेफरेंस देख लो LMB में, जो फ्रेंड ये वाला जो टाटा स्काई की LMB और ये है फ्रेंड पास में लगाई वीडियोकॉन की। तो फ्रेंड वीडियोकॉन की थोड़ी पीछे है और थोड़ी सी ऊपर है टाटा स्काई से, ठीक है। और जो फ्रेंड फ्री वाली LMB है, ये वाली फ्रेंड, तो इसमें भी आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, थोड़ी सी आगे है और थोड़ी सी नीचे है फ्रेंड, जैसा कि फ्रेंड अभी आप देख रहे हो फ्रेंड। और ये है एयरटेल की फ्रेंड, देख लो, ठीक है। तो एयरटेल में आप फ्रेंड देख लो, थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, इतना ऊपर है, ये फ्री वाली है तो इतना ऊपर, एयरटेल से ऊपर एयरटेल का सिग्नल आता है, नीचे आता है, ठीक है, इस साइड आता है, नीचे आता है सिग्नल इसका, नीचे आता है डायरेक्शन, तो इसलिए LMB ऊपर हो गई, ठीक है फ्रेंड, देख लो। और इसका जो ये मूव है पूरा नीचे ही है, ठीक है। तो इसके अभी मैं आपको LMB स्क्रू बताता हूँ, आपको किस हिसाब से LMB स्क्रू रखना है फ्रेंड। तो देख लो फ्रेंड, ये आप LMB स्क्रू इस हिसाब से आप रख सकते हो फ्रेंड, आपको शायद तो हो रहा होगा, ये है देख लो फ्रेंड, एयरटेल का इस टाइप से रखना है, फ्रीवेल डिस्क का इस टाइप से रखना है, और ये वीडियोकॉन का इस टाइप से रखना है, और ये टाटा स्काई का
इस हिसाब से रखना है फ्रेंड, देख लो ठीक है। तो फ्रेंड ये है डिस्क की सेटिंग, इस हिसाब से आप फ्रेंड आप कर सकते हो। फ्रेंड मैं आपको फिर से बता दूँ, छतरी आपको टाटा स्काई पे सेट कर देनी, एकदम काबू कर देनी। देख लो फ्रेंड जैसा कि मैंने किया है फ्रेंड, ये इंडियन टीवी की छतरी है और मैंने टाटा स्काई पे सेट की है फ्रेंड। देख लो ये टाटा स्काई मैंने डिस्क सेट की, आपको सिर्फ टाटा स्काई पे छतरी सेट कर देना है और उसके बाद में आपको राइट साइड सारी एल ई डी लगानी है, ठीक है फ्रेंड। देख लो जैसा कि अब मैंने अभी लगाया, तो मैं आपको फ्रेंड जल्दी से आपको सिग्नल चेक करके बता देता हूँ इन सभी सेटेलाइट का, और आपको टीपी बताऊँगा फिर कैसे बताऊँगा, जिसे आप देख कर सेट कर सकोगे फ्रेंड। तो मैं जल्दी से आपको सिग्नल बता देता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड देख लो फ्रेंड, ये मेरी सारी केबल है, देख लो फ्रेंड ये केबल देख लो फ्रेंड, इधर से आई हुई है, देख लो फ्रेंड सारी केबल है सारी एलएमबी की। और मैं आपको ये मेरा डिजिटल सेट फाइंडर है, देख लो फ्रेंड इससे मैं आपको सिग्नल चेक करके बताऊँगा। तो मैं ओपन करता हूँ जल्दी से, तो मैंने ओपन कर दिया है मेरा सेट फाइंडर। और फ्रेंड मैं आपको सबसे पहले एयरटेल का सिग्नल चेक करके बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड। एयरटेल का तो ये एयरटेल की तार है फ्रेंड, देख लो ये एयरटेल की तार, देख लो फ्रेंड सबसे ऊपर एलएमबी वाली, ठीक है। तो उसमें आपको एयरटेल का सिग्नल चेक करके बताता हूँ और उसकी फिर कैसे आपको बताता हूँ फ्रेंड। तो ये मैं तार लगा रहा हूँ उसमें मेरे सेट फाइंडर में, और मैं आपको जल्दी से चेक कर बताता हूँ। तो फ्रेंड देख लो आप फ्रेंड, थोड़े बाहर धूप है इसलिए आपको साफ थोड़ा नहीं दिख रहा होगा। ये देख लो फ्रेंड ये एयरटेल का मैंने तार लगाई है, ये केबल देख लो फ्रेंड इधर से उधर जा रही है ये वाली, और उसमें फ्रेंड सिग्नल आ रहा है, देख लो फ्रेंड। तो फ्रेंड आप इसमें आप अभी आप टीपी नोट कर लो फ्रेंड, ये एयरटेल का सिग्नल है और अभी आप टीपी नोट कर लो फ्रेंड। टीपी फ्रिक्वेंसी रहेगी 11480 और पोलरिटी रहेगी वर्टिकल, ठीक है। और सैम्पल रेट आप नोट कर लो 2880, ये फ्रेंड रहेगी ये एयरटेल की, ठीक है फ्रेंड। अभी मैं आपको जल्दी से टाटा स्काई की बता देता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड देख लो ये टाटा स्काई की तार है, देख लो फ्रेंड, और मैं आपको इसमें सिग्नल चेक करके बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो अभी मैं लगा रहा हूँ मेरे सेट फाइंडर में फ्रेंड, तो अभी मैं लगा रहा हूँ उसमें। लगा के बता रहा हूँ फ्रेंड देख लो, ठीक है। अभी मैं लगा रहा हूँ टाटा स्काई की, मैंने अब आपको एयरटेल की चेक करके बता दी फ्रेंड। तो मैंने तार लग चुकी है, अभी मैं आपको जल्दी से टाटा स्काई का सिग्नल और उसकी फ्रिक्वेंसी बता देता हूँ फ्रेंड। तो ये रहा आप टाटा स्काई, तो फ्रेंड देख लो ये टाटा स्काई का सिग्नल है, और अभी आप जल्दी से इसकी टीपी नोट कर लो फ्रेंड। टीपी है 11050, ठीक है। और जो ये रहेगी पोलरिटी रहेगी वो हॉरिजॉन्टली रहेगी एच, देख लो फ्रेंड। और फ्रेंड सैम्पल रेट नोट कर लो 32720, और फ्रेंड ये टाटा स्काई सिग्नल है। अभी आप फ्रेंड देख लो ये इधर मेरी डिस्क लगी है, इधर से मैं आपको फ्रेंड बता रहा हूँ, देख लो फ्रेंड सिग्नल आ रहा है इसका। अभी मैं आपको फ्रेंड जल्दी से वीडियोकॉन का सिग्नल चेक करा देता हूँ फ्रेंड। तो देख लो फ्रेंड ये है फ्रेंड वीडियोकॉन की तार, और अभी मैं लगा के आपको सिग्नल चेक कराऊंगा और टीपी भी बताऊंगा फ्रेंड। फ्रेंड मैं लगा रहा हूँ, मैं लगा लिए और मैं आपको सिग्नल चेक करके बताता हूँ फ्रेंड। वीडियो कॉल, तो फ्रेंड देख लो ये फ्रेंड वीडियो कॉल का सिग्नल देख लो फ्रेंड, सिग्नल आ रहा है, और मैं आपको टीपी भी बता रहा हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड टीपी आप नोट कर लो 11609, ठीक है। और पोलरिटी रहेगी आपकी वर्टिकल वी, ठीक है। और सैम्पल रेट नोट कर लो 43978, तो फ्रेंड ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, देख लो फ्रेंड। और ये फ्रेंड सिग्नल इसका आ रहा है, देख लो फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आपको जल्दी से अभी आपको डिश टीवी का, इंडिया टीवी का, सन टीवी का और डीडी फ्री डिश का सिग्नल चेक करके और उसकी टीपी जो भी है वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। देख लो ये है फ्री वाली तार, डिश टीवी, इंडियन टीवी और सन टीवी, एक ही तार में चारों के सिग्नल आते हैं। मैं आपको सिग्नल चेक करके बताऊंगा और आपको जो भी टीपी फ्रिक्वेंसी रहेगी वो मैं आपको सब आपको चेक करके बताऊंगा। तो अभी मैं लगा रहा हूँ तार,
डिस वाली। तो जैसा कि फ्रेंड हमने फ्रेंड तार लगा लिए फ्रेंड, और अभी मैं आपको जल्दी से सिग्नल चेक करा देता हूं और फिर कैसे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको डीडी फ्री डिस्क का आपको सिग्नल चेक करके बता देता हूं फ्रेंड। फिर फ्रेंड मैं आपको फिर से बता दूं, एक ही तार है फ्रेंड, डिश टीवी के, इंडिया टीवी के, सन टीवी के और डीडी फ्री डिस्क के, इन चारों सेटेलाइट के सिग्नल आते हैं। मैं आपको सिग्नल चेक करके बताऊँगा और टीपी भी बताऊँगा। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड देख लो फ्रेंड, ये डीडी डायरेक्ट है फ्रेंड, देख लो डीडी फ्री डिश फ्रेंड, देख लो फ्रेंड ये इसका सिग्नल है फ्रेंड, देख लो फ्रेंड। और मैं अभी मैं आपको इसमें टीपी बता देता हूँ। तो फ्रेंड टीपी रहेगी 11090, ठीक है, और पोलरिटी रहेगी वर्टिकल, ठीक है, यानी वी, और सैम्बल लाइट रहेगा 29500 फ्रेंड, देख लो फ्रेंड। अभी मैं आपको जल्दी से डिश टीवी की सिग्नल और टीपी बता देता हूँ। तो फ्रेंड देख लो फ्रेंड, ये डिश टीवी है फ्रेंड, देख लो आपके सामने ये डिश टीवी। अभी मैं आपको इसके सिग्नल बता देता हूँ। तो फ्रेंड ये है इसके सिग्नल, देख लो फ्रेंड। और इसकी जो फ्रेंड टीपी रहेगी वो देखो, नोट कर लो फ्रेंड, 12688, ठीक है, और पोलरिटी रहेगी वर्टिकल, ठीक है, यानी वी, और सैम्बल लाइट रहेगा 27500, ठीक है फ्रेंड। तो अभी मैं आपको फ्रेंड सन टीवी के जल्दी से सिग्नल चेक करके बता देता हूँ और टीपी भी बता देता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड ये है सन टीवी फ्रेंड, देख लो फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड देख लो, ये है सन टीवी, जैसा फ्रेंड अभी आप देख रहे हो सन 00 फ्रेंड, ये सन टीवी है, और ये इसके फ्रेंड सिग्नल है, देख लो फ्रेंड, ये सिग्नल आ रहे हैं इसमें। और अभी आप इसमें टीपी नोट कर लो फ्रेंड। तो फ्रेंड टीपी रहेगी 03430, ठीक है, और पोलरिटी रहेगी वर्टिकल, ठीक है, यानी वी, और सैम्बल रहेगा 29500 फ्रेंड, ये देख लो। अभी मैं आपको इंडिया टीवी की जल्दी से टीपी बता देता हूँ और उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ सिग्नल वगैरह। तो फ्रेंड ये देख लो फ्रेंड, ये फ्रेंड इंडिया टीवी लगा है फ्रेंड, देख लो बिग टीवी के नाम पे फ्रेंड। मैं आपको जानकारी अनुसार बता दूँ फ्रेंड, इंडिया टीवी अभी हाल फिलहाल बंद ही है तो उसमें सिग्नल नहीं आएंगे, शायद आपको पता ही है। अभी आप टीपी नोट कर लो। तो फ्रेंड इसकी टीपी रहेगी 03 9, ठीक है, 03980, और पोलरिटी रहेगी वर्टिकल, और सैम्बल लाइट रहेगा 38500, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड मैं आपको फिर से बता दूँ, उसमें फ्रेंड सिग्नल नहीं आएंगे क्योंकि फ्रेंड इंडिया टीवी बंद है 6 महीनों से, आपको पता है, आपने साथ खरीदा होगा फ्रेंड। तो इंडिया टीवी अभी बंद है हाल फिलहाल, अभी तक चालू नहीं हुआ, तो उसके सेटेलाइट भी अभी ब्लॉक की हुई है, ठीक है, तो अभी तक ये चालू नहीं है फ्रेंड। तो जैसा कि फ्रेंड हमने आपको फ्रेंड सिग्नल चेक करके बताया फ्रेंड, और टीपी वगैरह सब बताई, फ्रिक्वेंसी वगैरह और डिस की सेटिंग बताई फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं फ्रेंड ये आशा करता हूँ फ्रेंड कि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड। मैं आपको फिर से बताता हूँ फ्रेंड, केबल वगैरह सब फ्रेंड सब इधर से ही फ्रेंड, देख लो ये सारी केबल है और एक ही डिश में फ्रेंड कनेक्शन किया हुआ है, ऐसा नहीं फ्रेंड मैंने कोई दूसरी डिश ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं, एक ही डिश का फ्रेंड। मैंने आपको डिश की सेटिंग बताई है, टीपी बताई, फिर कैसे बताई, सिग्नल वगैरह वो भी बताया फ्रेंड, देख लो ये सारी डिश का केबल है, देख लो फ्रेंड इधर से आ रहा है फ्रेंड, देख लो फ्रेंड। मैं फ्रेंड ये आशा करता हूँ फ्रेंड आज का वीडियो हमारा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और हमारे वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं फ्रेंड आपसे यही निवेदन करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दी अभी तक अगर आपने नहीं किया है, तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का बटन सो रहा है उसे बटन प्रेस करके फिर घंटे का ऑप्शन आएगा उसको भी दबा दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड। तो फ्रेंड हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, हैप्पी रहे, बस हमारी यही कामना है। तो फ्रेंड धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो एंड कीप स्माइल।